चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के उदयपुर में स्थित है फतेह सागर झील। तो दोस्तों, ये नज़ारा जो खूबसूरत आप देख रहे हैं, ये फतेह सागर झील का है। इस झील का पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था, इसी कारण इस झील को फतेह सागर कहा जाता है। यह झील पास में ही स्थित पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। साथ ही झील में एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है और फतेह सागर झील उदयपुर का एक खास आकर्षक है। यहां पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थित है और 1975 में बेल्जियम ने यहां पर एक टेलीस्कोप का निर्माण भी किया। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने वर्ष 1687 में किया था। हालांकि लगभग 200 साल बाद 1888 में बाढ़ में नष्ट हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में कनाट बांध बनाया, जिसने वर्तमान झील को आकार दिया और उन्हें सम्मानित करने के लिए इसका नाम बदलकर फतेह सागर झील रखा गया। फतेह सागर झील तीन अलग अलग द्वीपों में विभाजित है, जिसमें सबसे बड़े द्वीप का नाम नेहरू उद्यान है। इस जगह पर नाव के आकार का एक रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए एक छोटा सा चिड़ियाघर भी स्थित है, जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। इस झील के दूसरे द्वीप में एक सार्वजनिक पार्क है जिसमें वाटर जेट फवारे लगे हुए हैं। तीसरे द्वीप में उदयपुर सौर वेधशाला स्थित है। फतेह सागर झील में बोटिंग करे बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए अगर आप इस झील को घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ के खास वाटर स्पॉर्ट्स जैसे झील के पानी बोटिंग का मज़ा ज़रूर लेना होगा। अगर बात करें इसके उचित समय की यहाँ पर आने के लिए, तो सबसे उचित समय है जुलाई से सितंबर और अक्टूबर के बीच में आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। इस समय मौसम यहाँ पर घूमने के अनुकूल रहता है और यहाँ का सुंदर नज़ारा है वो आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। सितंबर तक इसके ओवर फ्लो का शानदार नज़ारा रात्रि के समय देखने को मिलता है, जहाँ पर लाइटिंग सिस्टम से पूरे फ्लो का शानदार नज़ारा रहता है।